दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. ये ब्यावर के पीपला से कुछ 9 लगभग बिहार के मजदूर हैं जो पीपला से अजमेर पैदल और हाईवे पे जो ट्रेलर चलते हैं उनकी मदद से अजमेर पहुंचे हैं और इनको वहां पर ब्यावर में जो पीपला जगह है उस जगह पर कुछ अफवाहें फैली थी. उस अफवाहों के दौरान इनको ये सूचना दी गई कि अजमेर से एक ट्रेन चलने वाली है बिहार के लिए और आपको उस ट्रेन को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द जाना होगा. और उसी अफवाह के चलते ये लोग अजमेर पहुंचे हैं. इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इमित्रा पर कराया था और वो इमित्रा की जो पर्ची रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है उस पर्ची को जो मजदूर हैं इन्होंने उसको पास समझकर ये लोग अजमेर तक आ चुके हैं. लेकिन लगातार अजमेर प्रशासन और अजमेर रेल मंडल जो है वो स्पष्ट कर चुका है कि किसी प्रकार से कोई भी विशेष ट्रेन की आवाजाही अभी नहीं है, अभी नहीं चल रही है. जब भी चलाई जाएगी तो जो जो मजदूर हैं, जो जो प्रवासी लोग हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करा रखा है उनको प्रशासन खुद सूचित करेगा, खुद उनको बुलाएगा और उनको ट्रेन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएगा. लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि एक अफवाह चल रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि विशेष ट्रेन जो है वो इस समय पर इस जगह से चलने वाली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी किसी प्रकार से नहीं है. अजमेर रेल मंडल जो है उसने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई विशेष ट्रेन फिलहाल नहीं चल रही है. जब भी चलाई जाएगी तो उसकी सूचना दे दी जाएगी. लेकिन ये जो मजदूर है, 9 मजदूर बिहार से अजमेर आए, इसके यूनाइटेड अजमेर की जो कीर्ति पाठक है वो जो शेल्टर होम है वहां पर जब खाना देने के लिए जा रही थी तब उन्होंने रास्ते में इन लोगों को देखा है और इसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से निगम कमिश्नर जो चिन्मय गोपाल है उनको दी. उनके खाने की व्यवस्था की भी बात हुई है. ये लोग केवल पानी और बिस्किट के पैकेट के साथ पिपला से अजमेर तक आ चुके हैं और यहाँ पर रेलवे स्टेशन के निकट ही बैठे हुए थे फुटपाथ पर दुकान के बाहर और वहां पर जब कीर्ति पाठक ने देखा इनको तो उसके बाद सूचना दी गई है. लेकिन सूचना देने के बाद में अब निगम कमिश्नर जो है उन्होंने इनके नामों को नोट किया है, इनकी जानकारियों को इकट्ठा किया है और उसके साथ अब ये चर्चा की जा रही है कि आखिरकार इन 9 मजदूरों को वापस पीपला भेजा जाए या फिर अजमेर के अंदर ही किसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए. बैठे हुए दिखे और मीडिया वाले कुछ पर्सन भी थे तो हमने पता करने की कोशिश करी. इन लोगों ने एक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है शायद, इन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया था एज इमिग्रेंट्स जो बिहार वापस जाना चाह रहे हैं. 9 जने हैं ये, तो उस चीज़ को ये लोग अपना पास समझ के यहाँ तक आ गए और यहाँ पर आने के बाद अभी तो खाना दिया है, कमिश्नर मैम से बात हुई है तो देखते हैं अभी खाना खा करके डिटेल्स जब मैं इनकी उनको फॉरवर्ड कर दूंगी तो वो डिसाइड कर लेंगे कि किस शेल्टर होम में इनको भेजना है तो इन्हें भेज दिया जाएगा. 9 जने हैं. जैसे हम पिपला से आए और नाइट में 10:30 बजे मेरे पास कॉल आया और ये लिस्ट भी आया मेरे पास कि आप अजमेर पहुंच जाइएगा, 9:30 बजे की ट्रेन है. तो मैं बोला कि ठीक है, तो बोले कि बस आ भी सकता है, अगर बस नहीं मिले तो आप वहाँ जंक्शन पे मौजूद रहना, 9 बजे ट्रेन यहाँ से चालू हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, मैं बोला टाइम भी कम है और 45-50 किलोमीटर है वहाँ से अजमेर, तो मैं यही बोला कि ठीक है भाई चलो आस्ते आस्ते निकलते, कोई साधन मिल जाए या फिर बस वाला का मेरा नंबर है उसमें नंबर है तो बस वाला अगर फ़ोन कर दे तो मैं बैठ जाऊंगा बस में. तो बोले कि ये लोग बोले हाँ भाई चलो. तो पूरे नाइट हम लोग चले, सुबह 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचे. तो फिर अंदर में हम सोचे कि अंदर जाए और अपना कोई जो कागज़ मिला वो दिखाए. तो फिर अंदर से वो जो पुलिस वाले थे वो बोले कि नहीं बाहर में बैठो, डॉक्टर अभी नहीं आया, कोई आज ट्रेन रद्द है, नहीं चलने वाला. फिर मैं उसको कॉल किया जो मेरा ये बनाया हुआ है, जो कागज़ बनाया, फिर मैं उसको बोला तो बोला कि अरे वहाँ पे चला गया. मैं बोला आप ही तो भेजो वहाँ पे, आप तो खुद बोले. ये तो नहीं बोला कि हाँ मैं दे दिया हूँ, लिस्ट में नाम आ गया है कि आप एक काम करो घर पे ही रहो चाहे फैक्ट्री में रहो, आपको बस लेके जाएगी. ये तो आप बोले नहीं, आप तो बोल दिए कि नहीं मिलने के बाद में आप चले जाना अजमेर. अब क्या परेशानी आ रही है? अब परेशानी यही है कि अब फिर रिटर्न होना पड़ेगा हमको पीपला, फिर 40 और फिर यहाँ से कम 45-50 किलोमीटर. कहाँ जाने के लिए आए थे? मैं बिहार जाने के लिए आया था, छपरा. बिहार की ट्रेन जी, तो आज 9 बजे का ट्रेन था
ये वही बोला कि हाँ कंफर्म है कि ट्रेन जाएगी। अब यहाँ आने के बाद सभी बोलते हैं कि रद्द है ट्रेन नहीं चलेगी। फिर मैं उनके पास फ़ोन लगाया तो वो बोलते कि बस से भेजेंगे, कभी बोलते ट्रेन से भेजेंगे। अब मैं क्या करूँ? कितने लोग हैं? मैं तो अभी यहाँ पे 9 आदमी। अब यही इंतजार कर रहे हैं। अभी इंतजार करते करते 12 बज गया। फिर प्रशासन बोले कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ पर गए कि कलेक्टर साहब से लिखवाओ, फिर वो पास बोलेंगे कि जाने के लिए। फिर वहाँ गए तो वहाँ पर भी आज संडे है, बंद है। खाना कुछ भी नहीं मिला। जो भी हाँ पानी है और बिस्किट लेके मैं आया। पानी जी 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 नाम बताओ? मेरा राजू राउत।